लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फोन से ही वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे करा सकते हैं। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नेम की स्पेलिंग गलत है, फादर नेम गलत है, या फोटो गलत है, या एड्रेस गलत है, तो आप उसको इजीली अपने मोबाइल फोन से ही चेंज करा सकते हैं। कैसे कराना है ये आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेट चूज कर लेंगे। पूरी एक लिस्ट दी गई है स्टेट्स की, यहाँ से हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे और यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा यहाँ पर चूज करेंगे। अगर आपको अपनी विधानसभा नहीं पता है तो आप फैमिली के किसी वोटर आईडी कार्ड पर देख लीजिए, उस पर ये लिखा हुआ होता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर नेम डालेंगे, एप्लीकेंट का नेम। नीचे यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर सरनेम डालेंगे। अगर आपका कोई सरनेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी में गलत है तो आप यहाँ पर इसको कट करेंगे और इनपुट टूल अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपका कीबोर्ड हिंदी में हो जाएगा। यहाँ ऐप पर क्लिक करेंगे और हिंदी में टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर डालना होगा। ये आपको कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आप यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर के थ्रू यहाँ पर पार्ट नंबर और सीरियल नंबर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डिटेल्स के थ्रू भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। नीचे यहाँ पर एज डालेंगे, यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा चूज करेंगे। ये वोटर आईडी कार्ड पर लिखी हुई होती है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक स्लिप आ जाएगी। इस स्लिप में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दोनों लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर है मेरे केस में 119 और सीरियल नंबर है 266। आपके केस में ये कुछ और होगा। इसके बाद हम बैक आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले पार्ट नंबर डालेंगे 199, नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे 266 और नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो इस पर रेफरेंस आईडी भेजी जाती है जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दीजिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस चीज में करेक्शन कराना चाहते हैं। आप एक बार में दो चीजों में करेक्शन करा सकते हैं, चाहे आप नेम और फोटोग्राफ ले लीजिए, या फिर फोटोग्राफ या एड्रेस ले लीजिए, या फिर नेम और डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। मतलब कि आप एक बार में दो करेक्शन करा सकते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे नेम की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पर मैं नेम चूज कर लेता हूँ, और मान लीजिए मेरा फोटो भी गलत है तो यहाँ पर मैं फोटो चूज कर लेता हूँ। अगर आपका एड्रेस गलत है तो आप एड्रेस चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप फादर नेम चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव चूज करेंगे, जेंडर चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वही एंट्री डालनी होगी जो आपने चूज की है करेक्शन के लिए। जैसे कि हमने नेम में करेक्शन कराना है तो यहाँ पर हम पूरा नेम डाल देंगे। नीचे यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर हम सरनेम डालेंगे। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में गलत है तो इसको यहाँ पर मैं कट करके हिंदी कीबोर्ड से यहाँ पर मैं इसको टाइप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्योंकि हम फोटो और नेम चेंज कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करना होगा। फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ करेंगे और गैलरी में जहाँ पर भी फोटो रखा हुआ है वहाँ जाएंगे। यहाँ से फोटो को चूज करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेंगे कितना आप रखना चाहते हैं, और इसके बाद यहाँ क्रॉप पर क्लिक करेंगे। देखिए फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप नेम चेंज कराना चाह रहे हैं तो नेम चेंज के लिए आपको यहाँ पर कोई
प्रूफ देना होगा। आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पैन कार्ड दे देता हूँ। गैलरी में जाएंगे और जहाँ पर भी पैन कार्ड रखा हुआ है उसको चूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, जिसमें आप पासपोर्ट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बर्थ प्रूफ अपलोड करना होगा। तो इसी तरीके से जो भी करेक्शन आप कराना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन करके अपने मोबाइल फोन में रख लेने हैं। अगर आप चाहें तो उनका फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन फोटो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस डाल देंगे, मतलब अपने गांव या कस्बे का नेम। डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। आप इसको एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर SMS भी आ चुका है। SMS में भी आपको यही नंबर दिया गया है। इस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने 20 मार्च के बाद ये एप्लीकेशन फिल की है तो इलेक्शन के बाद ही आपका करेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद आपके कार्ड में करेक्शन हो जाएगा और करेक्शन होने के बाद वो घर पर ही आ जाएगा। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। इस एप्लीकेशन में आप जिस फॉर्म के लिए भी अप्लाई करते हैं उसका स्टेटस भी आप इसी एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। चाहे आप न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करें या फिर आप करेक्शन के लिए अप्लाई करें, उसका स्टेटस आप इसी में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप यहां वोटर हेल्पलाइन पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर्म स्टेटस का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वही रेफरेंस आईडी डाल देनी है जो आपके मोबाइल फोन पर आई है। आईडी डालने के बाद आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। देखिए अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद BLO अपॉइंट होगा और फील्ड वेरिफिकेशन होगा, मतलब कोई आपके घर पर भी आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। लेकिन रूल यही है कि आपके घर पर वेरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई आता है और इसके बाद ही आपका वोटर आईडी कार्ड भी आपके घर पर आ जाएगा। तो वोटर आईडी कार्ड में जो भी करेक्शन आप कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल फोन में रखेंगे और फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको वो अपलोड करना होता है। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।